हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ट्रेडर। तो यहाँ पे देखो हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि थोड़ा मार्केट यहाँ पे स्टक हो गया था, यहाँ पे स्टक हो गया था, अब मार्केट थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग बाइंग लेवल बना लेंगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, ओके, यहाँ से एक मोमेंटम तो शुरू हो गया था, लेकिन मेरे को दो तीन रिजेक्शन वहाँ पे नहीं मिल रहे, तो ठीक है चलो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दो तीन रिजेक्शन मिल गए। तो ठीक है, मार्केट में अभी भी गैप है, तो ये गैप जरूर फिल करेगा, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं वापस से सेलर्स के लिए चला जाऊंगा। ठीक है चलो, यहाँ पे मेरे को मौका नहीं मिला, ठीक है, एक ही ट्रेड प्लेस किया है मैंने, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि दो तीन रिजेक्शन मेरे को, ठीक है, यहाँ पे मार्जिन सेफ्टी मिल रही है, आ जाओ ऊपर, अगर ऊपर आएगा तो मैं वापस से नीचे का ही ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके तो ठीक है, मैं आपको रिजेक्शन बता देता हूँ ये लेवल कैसे ड्रॉ किया। देखो यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्ट खाया, यहाँ पे आप देख रहे हो रिजेक्शन मिला मेरे को, यहाँ पे भी मिल रहा है, राइट, और यहाँ से मोमेंटम भी शुरू हो गया है ना। तो ये रिजेक्शन के लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए आपके सामने ही, तो मार्केट में वो गैप भी था, तो ये गैप फिलिंग का एक ट्रेड हो गया यहाँ पे। क्योंकि देखो मार्केट गैप कब फिल करता है, जब वो मोमेंटम के साथ आता है, तो मोमेंटम के साथ आया मार्केट तो ऑब्वियसली गैप जरूर फिल करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छा खासा विन हो रहा है हमारा, ठीक है चलो, यहाँ पे अभी लेवल के लेवल पे आ गया है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। अभी ये ब्रेकआउट करता है उस लेवल को कि क्या करता है वो देखना पड़ेगा उस लेवल पे, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं वो हम लोग थोड़ा सा 5 सेकंड करने जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर आता है तो मैं एक सेलिंग के लिए वापिस से जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सेलर्स का ही ब्रेकआउट देखने को मिला है, अगर आप देख सकते हो तो मैंने कैसे जान लिया, ये देखो ये जो मोमेंटम था ये सेलर्स का था उस सर्टन बाइंग लेवल पे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया सेलिंग के लिए। तो देखो जो जो हमारा ये वाला ट्रेड प्लेस हुआ है वो डेफिनेटली विन हो जाएगा, नीचे का मुझे थोड़ा सा पता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे लग गया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है लास्ट के मोमेंट तक। ओके, देखो मैंने जैसे कहा था नीचे वाला ट्रेड शायद से चला जाएगा, लेकिन वो भी आ रहा नहीं, ठीक है चलो ऊपर का ही ट्रेड आ गया, थोड़ा नीचे लग गया था, लेकिन देखो आपकी एंट्री सही होगी तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस तरह से ट्रेड लेना है, 5 सेकंड का कंफर्मेशन भी किस तरह से लेना है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है। उसके बाद देखो गैप फिलिंग ट्रेड कैसे बनता है, उसके बाद देखो जितने रिजेक्शन मिल रहे तो वो लेवल्स आपको क्यों ड्रॉ करने, देखो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो रिजेक्शन की भी बात नहीं, यहाँ पे मार्केट स्टक भी बना था, है ना, तो एक सर्टन लेवल है जहां पे मार्केट रुका, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे भी रुका है देखो, है ना। तो इस तरह से आपको प्रॉपरली चीजों को देखना है और उसके बाद आपको जाके ट्रेड प्लेस करने हैं। ठीक है चलो, ये अभी हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा स्टक, तो नेक्स्ट करेंसी देख लेते हैं। यहाँ पे तो OTC मार्केट है आज, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग GBP में ट्राई करते हैं, देखते हैं इसके अंदर भी क्या चल रहा है। ओके, ये देखो एक सर्टन लेवल पे आके वापस से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, देखते हैं ये बाइंग कैंडल कैसी आती है। यहाँ पे मैं एक ऑरिजेंटल लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा सा आने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर सेलर्स, फिर बायर्स की कोशिश, फिर बायर्स एग्जॉस्ट, फिर वापिस से सेलर्स एग्जॉस्ट, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नीचे का ही है। और यहाँ पे देखो बाइंग कैंडल जो आई है वो प्रॉपरली नहीं आई है, इसलिए ये ब्रेकआउट हो सकता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, अगर और थोड़ा ऊपर मार्केट जाता है तो और एक ले लेंगे एंट्री यहाँ पे लास्ट के मिनट में, सेकंड में सॉरी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड प्लेस कर दिया है, ये GBP USD है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये यहाँ पे ऐसे रुका है जैसे बता रहा है कि मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे तो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा लॉस में चल रहा है, दिखा रहा है कौन सा लॉस में चल रहा है, एक चल रहा है, एक लॉस में है, एक मिनट, थोड़ा 5 सेकंड के अंदर जाके देखते हैं इसको कि भाई यहाँ पे कर क्या रहा है ये। ओके ठीक है, अपना लेवल के नीचे 1 मिनट का ट्रेड प्लेस हुआ है शायद से हमारा दूसरा वाला, इस वजह से एक ट्रेड तो विन हो गया, अब ये ट्रेड हमारा 1 मिनट के लिए लग गया है। ओके तो ऐसी दिक्कत हो गई है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखो एक अगर बायर्स को आने होता तो यहाँ पे वो प्रॉपरली बायर्स आते एक अच्छा खासा मोमेंटम के बाद, राइट। तो चलो ये 1 मिनट का ट्रेड क्या होता है अब ये राम भरोसे, लेकिन ठीक है चलो देखते हैं थोड़ा सा कैंडल को, क्योंकि वापस से एक बाइंग यहाँ पे स्टॉक मार्केट बन सकता है।
कभी कभी आपका एंट्री के वजह से गलती हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स की भी एंट्री कमजोर, लेकिन वापस से बायस ने अपना पगड़ा भारी करके रखा है। ठीक है, ये लेवल बना लेंगे हम लोग, क्योंकि तो मार्केट यहाँ पे आके स्टक बन गया था। अगर देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, उसके बाद ट्रेड प्लेस करेंगे। दो ट्रेड प्लेस करना है, क्योंकि ये भी हमें रिकवर करना है इस ट्रेड का। तो देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ब्रेकआउट दिया है इसने। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो भाई हम लोग ऊपर का ट्रेड लेने वाले हैं, और वो भी जबरदस्त लेने वाले हैं। थोड़ा सा नहीं, ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, मार्केट नीचे तो गया था। ठीक है, मैं और एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मुझे मौका मिला तो और एक ट्रेड प्लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। थोड़ा सा मौका मेरे को और मिल रहा है तो और एक ट्रेड प्लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। देखो, जब आप कन्फर्म होना तो आप कितने भी सारे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो ये मैं आपको क्यों ट्रेड प्लेस कर दिया, इतना मैं श्योर क्यों हूँ यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये ट्रेड विन होने के बाद। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, फिलहाल तो दिखा रहा है कि ये लॉसेस में चल रहे ट्रेड, लेकिन मैंने जो चीजें देखी है उससे तो ये विन होना चाहिए। लास्ट के मोमेंट में देखेंगे क्या होता है। 4, 3, 2, 1। ओके, ये विन हो गया है। देखो, तो ये किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, ये कभी कभी है ना ओटीसी मार्केट में, करेंसी मार्केट में थोड़ा सा ऐसा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। क्रिप्टो में इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें हर करेंसी में ट्रेड लेना सीखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या चीजें देखी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे तो सेलर्स आ गए थे, राइट। बायर्स यहाँ पे वीक आए, इस वजह से हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए चले गए, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग आते तो मैं नहीं जाता। सेकेंड थिंग, ये जो सेलर्स आए हैं ना, ये भी सेलर्स देखो, अगर आप देखोगे तो ये भी वीक आए और एकदम से बायस आए। चलो, ये बायस आए तो मैं मानता हूं, लेकिन ये बायस जैसे आए उसने प्रीवियस लेवल को अपने ब्रेकआउट कर दिया, राइट। और मैंने क्या कहा था, अगर वो नीचे आते वापस से इस बायर्स का ही हेल्प लेते हैं, मतलब ये जो बायर कैंडल है उसकी हेल्प लेते हैं, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड प्लेस कर देंगे। और हमने वैसे ही किया, हमने ऊपर का ही ट्रेड प्लेस कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है और उसी तरह से आपको ट्रेड प्लेस करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है आज, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। थोड़े से देखो एंट्री के वजह से अगर आपका ट्रेड मिस हो रहा है, मतलब 1 मिनट में लग रहा है, या फिर आपका कभी कभी नीचे लग जाता है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम वहां पे आप। लेकिन आपका कैंडल का जो प्रिडिक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो वो सारी चीजें तो आपको मैंने कहा है कि मेरे पास जो सेशंस के वीडियोज है उसके अंदर मैंने ऐसी ही बहुत सारी चीजें आपको बताई हुई है कि कैसे आपको एनालिसिस करना है। आज भी देखो, जो यूट्यूब की वीडियोज रहती है उसके अंदर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हम लोग अभी एंड कर देते हैं। जो नए है वो आपको, अगर आपको फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। टेलीग्राम पे अगर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है तो आप मेरे को टेलीग्राम के आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हो, और वहां पे मैं कॉल पे भी आपसे बात कर सकता हूँ। अगर कोई आपकी अदर क्यूरीज भी रहेगी मार्केट के बारे में, क्योंकि नए बंदे होते हैं उनको पता नहीं रहता है कि यार वो लॉस करते तो उनको थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, तो वो मैं उसके वो अगर मेरे को बताना होता तो मैं वो जो भी चीजें रहती कैसे आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, तो वो सारी मैं चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल्दो आप मेरे से ज्वाइन करो या फिर ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे को पूछ सकते हो कि मनी मैनेजमेंट कैसा फॉलो करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको कोई भी क्यूरीज रहेगी तो बेझिझक मेरे को टेलीग्राम पे आप टेक्स्ट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।